ब्रह्मोस मिसाइल जिसको पूरा विश्व देख रहा है लखनऊ में बनने जा रही है, जिससे 5000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, जो देश का लक्ष्य है, माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को रोजगार देना। परम आदरणीय श्री राजनाथ जी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, चीन को गलवान वैली में मुंहतोड़ जवाब दिया, कश्मीर में आतंकवादियों को सेना निरंतर जवाब दे रही है और कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर रही है, बेटियों को सेना में उच्च पद पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया आपने, आपको नमन है। आज उत्तर प्रदेश में जितना विकास हो रहा है आपके सहयोग से हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश जितना प्रगति कर रहा है आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में हो रहा है। 5-5 एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चौतरफा विकास हो रहा है, सड़कों का 3 लाख करोड़ का जाल बिछ चुका है, पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कें, पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले क्षेत्रों में मेट्रो चल रही है, उत्तर प्रदेश में आज अमन चैन है, उत्तर प्रदेश में आज शांति है, उत्तर प्रदेश में आज डिफेंस कॉरिडोर ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसकी कीमत 50,000 करोड़ से ऊपर है और जिसमें हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो माननीय जी के आशीर्वाद से हो रहा है, उत्तर प्रदेश का निरंतर विकास माननीय जी के आशीर्वाद से हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण समय है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण समय है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, हमारी और आपकी आज जिनसे चुनाव में युद्ध है, जिनसे हमारी आपकी चुनाव में जंग है, वो एक ऐसी विचारधारा से युद्ध है जो विचारधारा देश के लिए ठीक नहीं है। हमारी आपकी मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ लोगों की विचारधारा राष्ट्र प्रथम की है, हमारी आपकी आज जिन लोगों से युद्ध हो रहा है वो ऐसी विचारधारा से हो रहा है जो पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानती, ऐसी विचारधारा जो जिन्ना को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहती है, ऐसी विचारधारा जो आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ती है, ऐसी विचारधारा जो सिमी ऐसे बैंड ऑर्गेनाइजेशन से जो कट्टरपंथी है उनको उनका साथ देती है, ये विचारधारा ठीक नहीं है। ऐसी पार्टियां आज चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माफियाओं को टिकट देती हैं, जो अपराधियों को टिकट देती हैं, जो जेल में रहने वालों को टिकट देती हैं, जिनको योगी आदित्यनाथ जी ने जो जेल भेज रखा है, जिन माफियाओं को, अपराधियों को, उनके परिवार वालों को टिकट देके चुनाव लड़ाकर विधायक सांसद बनाना चाहती हैं और उनको नीति निर्धारण कराना चाहती हैं, ऐसे लोग हमको सोचना होगा सांसद बनकर विधायक बनकर सत्ता में आकर क्या करेंगे। जब इनकी सरकार थी तो सिर्फ घोटाले होते थे, चाहे खनन घोटाला हो, चाहे खाद्यान्न घोटाला हो, एक तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है, 1.5 करोड़ लोगों को बिजली का फ्री कनेक्शन दिया गया, 2.25 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर फ्री में और उज्ज्वला में कनेक्शन दिए गए, अब होली और दिवाली में भी मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा, बेटियों को, नौजवानों को, सबको आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं। एक तरफ ऐसी सरकार है और एक तरफ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो आज चुनाव लड़ रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार होते थे, चारों तरफ उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपराधिक माफिया था, तो कहीं शिक्षा माफिया था, तो कहीं नकल माफिया था, तो कहीं भू माफिया था, तो कहीं खनन माफिया था, ऐसी सरकार थी कि पूरा प्रदेश माफियाओं से त्रस्त था। आज उत्तर प्रदेश में अमन चैन है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ऐसी सरकार ने जिसको आपने कमल का बटन दबाकर चुना, ऐसी सरकार जो आपने इतनी सशक्त सरकार दी, उसने माफियाओं को जेल भेज दिया, 44,000 से ज्यादा को गैंगस्टर एक्ट में बंद किया गया, 750 से ज्यादा को 150 से ज्यादा। भाजपा का संकल्प है हर निर्माण श्रमिक को